हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड यू आर वाचिंग द जीएसटी मैक्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेरा जीएसटी वो 6 मंथ का हो चुका है और मैं आपको अपने मैक्स का डाइट प्लान शेयर करने वाला हूं। गाइस, अगर आपके पास डॉग है तो आप भी अपने डॉग को ये डाइट दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास रॉयल कैनन का एडल्ट फूड, जो कि मैं अपने जीएसटी को अभी यही फूड दे रहा हूँ। चलिए तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि ये फूड आप अपने डॉग को कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले आपको यह करना है कि आप जिस भी चीज़ में अपने डॉग को फूड देते हैं वो आपको ले लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बॉयल वाटर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। इसके बाद सबसे मेन बात यह आता है कि डॉग को फूड कितना देना है। तो गाइस, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने डॉग को रॉयल कैनन का मैक्सी एडल्ट फूड दे रहे हैं तो कैसे देना है और कितना फूड देना है डॉग को। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक टाइम अपने डॉग को फूड देते हो तो आपको 150 ग्राम देना है, या फिर अगर आप दो टाइम फूड देते हो तो आपको 300 ग्राम फूड देना है। गाइस, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप भी अपने डॉग को फूड जो है सो कुछ इस तरह से मेजर करके आप अपने डॉग को देते हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फूड को बॉयल वाटर में रख देना है और उसके बाद आपको फूड को 10 से 15 मिनट आपको बॉयल वाटर में फूलने के लिए छोड़ देना है। गाइज, अब आप देख सकते हैं फूड जो है काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है और मैक्स को खाने लायक हो चुका है। लेकिन गाइज, मैक्स को फूड देने से पहले मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ ये 3 मेडिसिन। गाइज, आप देख सकते हैं ये है मेरे पास प्रोवी कैल पेट मेडिसिन, जो कि ये कैल्शियम मेडिसिन है। और गाइज, मैं ये मेडिसिन अपने मैक्स को जब से अपने पास लाया हूँ तभी से दे रहा हूँ। गाइज, अगर आप भी अपने डॉग को ये मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको 10 ml देना है। अभी मैं अपने मैक्स को ये मेडिसिन 2 टाइम देता हूँ, एक टाइम मॉर्निंग में और दूसरा टाइम नाइट को देता हूँ। गाइज, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप अपने डॉग को कैल्शियम मेडिसिन देना चाहते हैं तो आपके डॉग के लिए प्रोवी कैल पेट मेडिसिन सबसे बेस्ट रहेगा। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं ऐड करने वाला हूँ सेकेंड मेडिसिन, जिसका नाम है लिप 52। गाइज, ये भी मेडिसिन मैं अपने मैक्स को शुरू से ही दे रहा हूँ। अगर आप भी अपने डॉग को ये मेडिसिन देना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास 6 मंथ का डॉग है तो आपको 5 से 10 ml देना है। फाइनली गाइज, अब मैं ऐड करने वाला हूँ लास्ट मेडिसिन, जिसका नाम है वेरोर। गाइज, ये एक मल्टी विटामिन मेडिसिन है। ये भी मेडिसिन मैं अपने मैक्स को शुरू से ही दे रहा हूँ। अगर आपके पास 2 मंथ का डॉग है तो आपको 1 से 2 ml ही देना है, या फिर अगर आपके पास 6 मंथ का डॉग है तो आपको 5 से 10 ml मेडिसिन देना है। गाइज, अब आप देख सकते हैं फूड जो है सो कम्प्लीट हो चुका है और अब मैं देने वाला हूँ मैक्स को फूड। गाइज, जब से आप अपने डॉग को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिएगा तो आप फर्स्ट डे से ही आप अपने डॉग को फूड के ऊपर जरूर कमांड सिखाइए। जैसा कि मैं अपने मैक्स को सिखाया हूँ, आप भी अपने डॉग को कुछ इस तरह से कमांड दे सकते हैं, मैक्स खा लो। गाइज, आप इस तरह का कमांड दे सकते हैं या फिर आप जो कमांड देना चाहते वो दे सकते हैं। गाइज, अगर आपका डॉग 3 मंथ से ज्यादा का है तो आप कोशिश कीजिए कि फूड जब भी आप अपने डॉग को दे तो थोड़ा सा हाइट पे दे, या फिर मैं जैसे मैक्स को दे रहा हूँ फूड जो है फूड स्टैंड पे दे रहा हूँ, ऐसा आप भी दे सकते हैं। अगर आप भी ये डॉग फूड स्टैंड परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और गाइज, आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि डॉग जो है सो खाना नहीं खा रहा है, तो गाइज मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूं कि जब भी आप अपने डॉग को फूड दे उससे पहले आप खाना में कुछ मेडिसिन डाल दीजिए। जैसे आप कैल्शियम दे सकते हैं या फिर मल्टीविटामिन दे सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका डॉग धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।